दुखद घटना हुई जी, उसको लेकर भी बात उठ रही है कि जिम्मेदारों के प्रति कार्रवाई नहीं हो रही है, प्रशासन को बचाया जा रहा है, आपके पड़ोस का जनपद है, क्या कहें? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, धार्मिक कार्यक्रम था और सबसे पहले तो जो बेचारे चले गए, दिवंगत हो गए, उनकी मेरी संवेदना है, उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। लेकिन ऐसे बड़े जब धार्मिक आयोजन होते हैं तो इसकी व्यवस्था जो आयोजक है सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी होती है, प्रशासन तो बाद में परमिशन देता है। अब आपने परमिशन ली 80,000 की और ले आए 1.5 लाख लोग, तो प्रशासन भी कहाँ तक उसकी एक व्यवस्था देखेगा। और मुझे मालूम है ये साकार हरि गुरु की जो व्यवस्था होती है इनकी अपनी होती है और उसमें उनके ही अपने लोग होते हैं। ऐसी दुखद घटना कभी पहले हुई नहीं, ये संभवतः पहली बार हुई है। किस कारण हुई है इसकी जांच के लिए सीएम साहब ने एक बड़ी कमेटी भी बिठा दी है, एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बिठा दी है। जो भी तथ्य आएंगे तो फिर उसके बाद ही कार्यवाही होगी। अखिलेश यादव कहने के सरकार का फेलियर होगा, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, सरकार का कोई फेलियर नहीं है। सरकार से जितने लोगों की परमिशन मांगी गई सरकार ने दी, अधिकारी प्रशासन ने दी, लेकिन अगर उससे डबल भीड़ आ जाए तो प्रशासन को भी नहीं पता होता कि इतनी भीड़ आ जाएगी। दीदी, बाबा को क्यों बचाया जाए, उनका कोई इसमें रोल नहीं है बिल्कुल, क्या सरकार से मांग उठ रही है कि असली दोषी? देखिए, ये तो जांच के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगी। जब एक अध्यक्षता एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित हो रही है, उसमें तथ्य निकल के आने दीजिए, उसमें ही पता चलेगा बाबा का दोष है कि नहीं है। कहा तो यही जा रहा है कि उनकी रज लेने भागे, वो निकल गए थे, हादसा तो बाद में हुआ है ना, अब देखो पता चले। उन्हीं ने कहा कि मेरी चरणों की रज लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा वो कहते होंगे। कोई बाबा नहीं कहता कि मेरी, कोई बाबा कहेगा कि मेरे चरणों की रज लो? ये तो हम लोग इतने धार्मिक हैं, इतनी आस्थाएं हमारी कि हमें लगता है कि हम इनकी रज लें तो शायद हमारा ये कष्ट दूर हो जाए, हमारी ये समस्या समाप्त हो जाए। पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहा होगा। लेकिन अगर, मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई ऐसी भी बात होगी तो जो जांच चल रही है उसी में आगे का निकल। अब भाई, अब और कुछ विषय पूछ लो कि बाबा ही को